अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं इस कोर्स पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस वीडियो में हम क्लाइंट लेआउट बनाएंगे, उसमें नेविगेशन बार ऐड करेंगे और राउटिंग देखेंगे और ऐड करेंगे, चाइल्ड राउटिंग देखेंगे और कैसे हम एक लेआउट बनाने में चाइल्ड राउटिंग को यूज़ कर सकते हैं, और साइनअप पेज ऐड करेंगे और उसको कन्फिगर करेंगे राउटिंग के साथ। इस वीडियो में हम एक लेआउट पेज बनाएंगे और उसमें हम लॉगिन पेज और साइन अप पेज ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्लाइंट लेआउट पेज ऐड करते हैं। ये जो पेज होगा ये लेआउट पेज होगा और ये क्लाइंट के लिए होगा। तो इसमें जो भी हम अरेंजमेंट करेंगे, जो भी चीज़ें ऐड करेंगे वो क्लाइंट के लिए होंगी। हम जो कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं वो DS है। अगर ये आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे अभी मैंने एक कंपोनेंट बनाया है और इसके अगर मैं सिलेक्टर देखूं तो उसमें DS आ रहा है, तो अगर ये चीज़ मैंने ऐड करनी है तो ये हम angular.json की फाइल यहाँ प्रीफिक्स में डिफाइन कर सकते हैं। इससे पहले यहाँ पे ऐप था, जिसकी वजह से हम जब भी कोई न्यू कॉम्पोनेंट बनाते थे उसके साथ ये ऐप लग जाता था, ये प्रीफिक्स। अब हमने इसको चेंज कर लिया है। लेआउट में हम एक सिंपल लेआउट बनाएंगे जिसमें हेडर होगा। हेडर में हम नेविगेशन बार्स यूज़ करेंगे, हेडर में हम नेविगेशन ऐड करेंगे। फिर एक मेन सेक्शन जो हमारे लेआउट पेज का कंटेंट एरिया होगा, और लास्ट में फुटर। इसमें हम नेविगेशन ऐड करेंगे जिसमें हमारे ब्रांड का नेम होगा, और फिलहाल हम दो URL ऐड करेंगे, दो लिंक ऐड करेंगे, एक साइन अप के लिए और एक साइन इन के लिए। मैं ये टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। अभी हम राउटिंग पर नहीं गए हैं, तो अभी हम सिंपली पेज को व्यू करते हैं। तो हम सिंपल कंपोनेंट का नेम दे देते हैं, इसके सिलेक्टर। ये देखें ये आ गया। अब अगर मैंने नेविगेशन बार ऐड करनी है तो हम बूटस्ट्रैप को फॉलो कर रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप की हम वेबसाइट पर जाएंगे और चेक करेंगे कि वो कैसे ऐड करती है कंपोनेंट। और यहाँ पे आपको नेविगेशन बार दिखाई देगा। तो ये हम इस तरह का नेविगेशन बार ऐड करना चाहते हैं हेडर में। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हेडर में हम जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इसको हम देखते हैं वन बाय वन। हमें इसमें अभी सर्च बार नहीं चाहिए, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये नेविगेशन बार ऐड हो गया है। इसका हम कलर चेंज करेंगे। अभी इन्होंने जो BG लाइट दिया हुआ है, BG फॉर बैकग्राउंड, इसको हम प्राइमरी कर देंगे। ये हमारे नेव का कलर चेंज हो गया बैकग्राउंड। अब मैं इन लिंक का कलर चेंज करूँगा, और इसके लिए मैं क्लास यूज़ करूँगा टेक्स्ट वाइट, जिससे इन हाइपरलिंक का कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपने ये देखना है कि मुझे इस क्लास का नेम कैसे पता है, तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखें, उसमें मैंने ये डिटेल में बताया हुआ है। तो अभी मुझे सिर्फ दो लिंक चाहिए, एक साइन अप के लिए और एक साइन इन के लिए। इसमें ये जो आपको ये एक्टिव क्लास नज़र आ रही है, ये क्लास इसलिए ऐड की जाती है, ये जिस लिंक पर क्लास अप्लाई होगी तो वो थोड़ा प्रोमिनेंट नज़र आएगा, और जिसे यूज़र को ये पता लगे ये क्लास एक्टिव है। और इसमें हम ब्रांड नेम ऐड करेंगे,
जैसे इसका भी हम कलर चेंज कर देंगे। अब ये जो नेविगेशन बार होता है उसके लिए तीन चीज़ें होती हैं, एक ये नोडेड लिस्ट होती है जिसमें हम लिंक देते हैं, और उसके बाद ये बटन होता है जिसको हैमबर्गर थ्री नेव बार कहते हैं, इसको भी हम देखते हैं। जैसे स्क्रीन का साइज रिड्यूस होगा तो ये जो डिव वैल्यू और ये जो हाइपर लिंक है ये सब हाइड हो जाएंगे और एक हैमबर्गर अपीयर हो जाएगा जिसको आप क्लिक करेंगे तो ये विजिबल होंगे। और उसके बाद एक ये ब्रांड नेम होता है, यहाँ पर आप कोई इमेज ऐड कर सकते हैं आपके ब्रांड की, आपकी वेबसाइट का जो इमेज होगा, लोगो लोगो होगा, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी हम मैंने सिर्फ टाइटल ऐड किया है। तो ये मोस्टली ये तीन चीज़ें होती हैं, तो आप जितना चाहे इसको कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, मीन्स के जितनी मर्जी चाहें आप चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये दो लिंक है ये इस साइड पे हूँ, तो इसमें एक ये क्लास है ME4 मार्जिन राइट ऑटो। अगर मैं इसको मार्जिन लेफ्ट ऑटो कर दूंगा तो ये सॉरी इसमें ये जो MS ये मेरे राइट पर आ गई है। इस चीज़ को अगर मैंने देखना है कि मैंने मार्जिन मार्जिन राइट ऑटो कैसे देना है, तो मैं दोबारा एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ। अपने यहाँ पे यूटिलिटीज़ में जाना है और यहाँ पे स्पेसिंग में मार्जिन और पैडिंग होती है। M4 मार्जिन, P4 पैडिंग, T4 टॉप, B4 बॉटम और S4 मार्जिन लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट। अगर मैं PS दूंगा पैडिंग लेफ्ट होगी, अगर मैं MS दूंगा मार्जिन लेफ्ट होगा, अगर मैं ME दूंगा तो वो मार्जिन राइट होगा। उसके बाद मैं ये वैल्यूज दूंगा, अगर मैं ऑटो दूंगा तो वो ऑटो मार्जिन होगा। ये मैंने लार्ज स्क्रीन के लिए अपनी UI सेट कर ली है। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको सेलफोन डिवाइसेस या मीडियम डिवाइसेस पे इसको अगर व्यू करूँगा तो नेव बार जिसको हम हैमबर्गर थ्री बार भी कहते हैं, ये चीज़ विजिबल हो गई है। ये बटन कैसे शो हुआ इस चीज़ को हम देखते हैं। ये जो मैंने बटन ऐड किया है इसकी वजह से वो ऐड हुआ है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो तब ये बटन वो चला जाएगा, लेकिन ये क्लासेस में मुझे रिमूव करनी होगी। अब आप ये देख सकते हैं ये दोबारा आ गए हैं, ये बटन ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए है। अभी देखें इसमें ये हैमबर्गर तो ऐड हो गया है, लेकिन मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर जो मेरे लिंक है वो विजिबल नहीं हो रहे। अगर मैं ये लाइव एग्जांपल देखूं नेव बार इन्होंने दिया हुआ है, अभी देखें ये हैमबर्गर अपीयर हो गया। अगर मैं स्मार्ट स्क्रीन पे जाता हूँ, अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे एनिमेशन के साथ ये ओपन हो जाता है। इसको इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इशू हो जाता है, दोबारा टॉगल करता हूँ तो ये हाइड हो जाता है। लेकिन ये जो मैंने ऐड किया है ये नहीं वर्क कर रहा, तो इसके पीछे एक वजह ये है कि हम जब एंगुलर में बूटस्ट्रैप ऐड करते हैं तो हम सिर्फ CSS ऐड करते हैं, और आपने देखा होगा कि नॉर्मल वेबसाइट होती है उसमें जब हम बूटस्ट्रैप ऐड करते हैं तो साथ हम जावास्क्रिप्ट की फाइल भी हम ऐड करते हैं जिसमें इसकी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक लिखी होती है कि जैसे यूज़र इस पर टॉगल करे तो क्लासेस ऐड हों और क्लासेस रिमूव हों। तो इसको फिक्स करने के दो सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन ये होगा कि मैं इस पे क्लास कंडीशनली एक मैं क्लास ऐड कर दूंगा, जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो मैं एक क्लास ऐड कर दूंगा, दोबारा यूज़र क्लिक करेगा तो मैं उस क्लास को रिमूव कर दूंगा, उससे ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। और दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर क्लास ऐड करता हूँ शो, तो आप ये देखें ये शो हो गई, ये जितने भी मेरे लिंक थे ये सारे शो हो गए हैं। अगर मैं इस क्लास को रिमूव कर देता हूँ तो ये हाइड हो जाते हैं। अब मैंने करना है ये एंगुलर में कि मैं यूज़र जैसे इस पर क्लिक करे मैं यहाँ पर इधर क्लास शो ऐड कर दूँ, दोबारा टॉगल करे उस क्लास को मैं रिमूव कर दूँ,
अगर आप एंगुलर में कोई कंडीशन पे कोई क्लास ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ एनजी क्लास यूज करेंगे। एंगुलर में आप अगर डायनामिकली स्टाइल ऐड करना चाहते हैं या क्लास ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एनजी स्टाइल और एनजी क्लास यूज करना चाहते हैं। अगर आप कोई एक सीएसएस ऐड करना चाहते हैं, जैसे आप कोई किसी कंडीशन पे बैकग्राउंड वाइट करना चाहते हैं, ब्लैक करना चाहते हैं, सिर्फ आप एक स्टाइल देना चाहते हैं तो आप एनजी स्टाइल यूज करेंगे। अगर आप कोई क्लास ऐड करना चाहते हैं किसी कंडीशन पे तो वह एनजी क्लास यूज करेंगे। तो पहले हम एनजी स्टाइल की एक एग्जांपल देखते हैं। मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा, तो उसके लिए मैं एनजी स्टाइल तो आप ये देखें, ये कलर चेंज हो गया है। ये तो अभी मैंने HTML में ऐड किया है। तो अगर अब मैं इसकी वैल्यू टाइपस्क्रिप्ट फाइल से लूंगा, मैं यहाँ पे एक वैल्यू लूंगा जिसकी मैं टाइप डिफाइन करूंगा नंबर। टाइपस्क्रिप्ट में आ वैल्यू के बाद उसकी टाइप देते हैं, और सी शार्प और जावा में आपको स्टार्ट में देनी होती है। ये डिफरेंस है टाइप स्क्रिप्ट और जावा सी शार्प में। अगर आप इसको कुछ भी ना देंगे तो इसकी टाइप एनी हो जाएगी, मीन्स आप इसके अंदर कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने जब भी टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करना है तो हमने इसकी टाइप देनी है। अगर हम इसको एनी देंगे, कोई टाइप नहीं देंगे, तो फिर हमारा ये टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करने का कोई पर्पज़ ही नहीं रह जाता, क्योंकि टाइप और टाइपिंग के लिए ऐड किया गया है और इसलिए टाइप स्क्रिप्ट बनाई गई है। अगर वैल्यू इक्वल होगी 1 के तो मैं जो रिटर्न करूँगा वो राइट करूँगा एल्स। अगर 2 होगी तो मैं रिटर्न करूँगा पिंक। यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा पहले मैं 1 देता हूँ। तो देखें ये यहाँ से इसने रेड कॉपी कर लिया है। अब मैं 2 दूंगा, वो देखें पिंक आ गया। इससे हम डायनेमिकली स्टाइल को बाइंड कर सकते हैं। इसके साथ हम किसी भी सीएसएस के स्टाइल को बाइंड कर सकते हैं एनजी स्टाइल के जरिए। अब मैं एक क्लास को बाइंड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे एनजी क्लास का कीवर्ड ऐड करना होगा। और अब मुझे ये स्टाइल की जगह मुझे क्लास का नेम देना होगा। मैं हेलो नेम की एक क्लास बनाता हूँ। मैं ये एक्वा कलर दे देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। और इस पे मैं कोई फंक्शन भी, जैसे ये एक वैल्यू रिटर्न करता है ये मेथड, मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं कोई वेरिएबल भी यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं एक वेरिएबल यूज़ करता हूँ टोगल। सी शार्प की तरह और जावा की तरह पहले हमें, अगर मैं कोई वेरिएबल क्लास के अंदर डिफाइन करूँगा तो उसको मुझे पब्लिक या प्राइवेट करना होगा। इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आप ऐसा वेरिएबल जो आप HTML फाइल में यूज़ करना चाहते हो, आप उसको हमेशा पब्लिक रखें। आप अगर इसको प्राइवेट कर देंगे तो ये यहाँ पे एरर नहीं देगा, लेकिन जब आप इसको बिल्ड करेंगे तब एरर देगा। अब लेटेस्ट चेंजेस आ गए हैं, नई चीज़ें, शायद ये यहीं पे डिटेक्ट कर ले। इससे पहले क्या होता था कि एंगुलर के पहले स्टार्टिंग पहले वाले वर्जन में आप प्राइवेट यूज करते रहते थे, जब आप डिप्लॉय करने जाते थे सर्वर पर तो ये एरर देता था। जैसे आपने एनजी बिल्ड चलाई तो उस वक्त जब ये बिल्ड करे उस वक्त ये एरर देता था। अभी देखें, मैंने टाइप स्क्रिप्ट में जब भी टाइप देनी है तो मैंने आखिर में देनी है वेरिएबल के, वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करने के बाद मैंने उसकी टाइप देनी है।
अभी देखिए इस पे जो कलर ऐड हुआ है वो एक्वा हुआ है। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो ये क्लास ऐड नहीं होगी। एनजी क्लास ऐड करने के इसमें आप इफ एल्स, इनलाइन इफ एल्स भी लगा सकते हैं, काफी आप इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए एक तरीका कर बताया, इससे एनजी क्लास ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने कंडीशनली मैंने यहाँ पे इस शो की क्लास ऐड करनी है इस जगह, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और मैंने क्लास कौन सी ऐड करनी है, शो की। ये मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने शो की क्लास ऐड करनी है? एक तो आपको जब आप इस पे वर्क स्टार्ट करेंगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा, और दूसरी चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल है, जैसे ये ऐड होता है अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पे आप देखें कि ये इन्होंने डिव ऐड की हुई है। यहाँ पे आपने नज़र लग रखनी है कि यहाँ पे जो अभी क्लास ऐड हुई है वो शो की हुई है। जैसे मैं इसको करता हूँ तो आप ये देखें शो की क्लास रिमूव हो गई है। जब उन्हें दिखाना होता है शो की क्लास ऐड कर देते हैं, और जब हाइड करना तो इस क्लास को रिमूव कर देते हैं। कई चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ पता लगेंगी। अभी देखें मैंने इसको ऐड तो कर दिया है, लेकिन मैंने टॉगल करवाना कि जैसे इस पर क्लिक करे तो ये टॉगल हो, तो मुझे क्लिक का इवेंट चाहिए। अब देखें एंगुलर में जो इवेंट ऐड करने का तरीका कार होता है, ये स्मॉल ब्रैकेट आपने ऐड करनी है और उसमें आपने क्लिक लिखना है। क्लिक का इवेंट ऐड करना चाहता हूँ, आपने यहाँ पे क्लिक लिखना है, और उसके बाद आपने एक मेथड का नेम देना है, जैसे मैंने कहना ऑन टॉगल। अब मैंने इसका एक मेथड का नेम दिया, मुझे मेथड भी डिफाइन करना होगा। मैंने मेथड डिफाइन कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे क्लिक हो इसकी वैल्यू टॉगल हो जाए। इसकी वैल्यू को टॉगल करने के बहुत सारे तरीके हैं। टाइपस्क्रिप्ट में अगर मैंने क्लास की वेरिएबल को और फंक्शन को एक्सेस करना है तो मैं दिस लिखूंगा। अगर मैंने लोकल स्कोप के वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर ही डिफाइन है तो मैंने उसको एक्सेस करना, तो उसके लिए मुझे दिस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर मैं नॉट ऑपरेटर यूज़ करूँगा। ट्रू होगा तो ये ऑपरेटर उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स होगा इसको ट्रू कर देगा, उसके बाद इसको असाइन कर देगा। अब ये देखें जैसे अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये नज़र इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमने इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हमने वाइट कर दिया था, बैकग्राउंड कलर हमने प्राइमरी रिमूव कर दिया था। अभी देखें ये हमारे लिंक नज़र आना स्टार्ट हो गए। अब इसमें एक चीज़ है, अगर आपने गौर किया हो तो ये देखें इसमें ये एनिमेशन है के साथ आ रहा है और ये बगैर एनिमेशन के साथ आ रहा है। इसको हमने इस प्रॉब्लम को हमने फिक्स कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि ये एनिमेशन भी ऐड करना चाहते हैं तो इसका भी एक आसान तरीका है। उससे पहले मैंने एक चीज़ आपको कहा था कि इसको टॉगल करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं चाहूँ तो ये फंक्शन बनाऊँ ही ना और सिर्फ मैं यहाँ पे टॉगल, और यहाँ पे मैं टॉगल को ऐसे कर दूँ। तो तब भी ये वर्क करेगा। जो मैंने एक फंक्शन बनाया है उसके अंदर मैंने ये कोड लिखा और वो मैं सिंपली यहाँ भी कर दूंगा, तो ये भी एंगुलर क्या करेगी, इस एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करेगी। अब ये देखें जो वेरिएबल को मैं HTML फाइल में एक्सेस कर रहा हूँ के साथ मैं दिस का कीवर्ड यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन ये क्लास लेवल के हैं तो मुझे दिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। HTML में मैं फंक्शन को एक्सेस करूँगा तो उसके साथ मुझे दिस का कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ पर आते हैं कि हम इस पर एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं। इसमें हमने जितनी भी UI बनानी है वो हमने इस बूटस्ट्रैप के हिसाब से बनानी है। इसमें एक दूसरी चीज़ आती है, वो है कंपोनेंट। इसमें आप ये अकॉर्डियन, अलर्ट, बैज, ब्रेडक्रम, ये जितनी भी चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं, ये जितनी भी आप चीज़ें ऐड करेंगे आपने यहाँ से ऐड नहीं करनी। आपने ये ड्रॉप डाउन मॉडल, ये पॉप आवर, ये प्रोग्रेस आपने यहाँ से ऐड नहीं करनी। ये आपने इसलिए यहाँ से ऐड नहीं करनी क्योंकि आप में या किसी और फ्रेमवर्क में
आप बूटस्ट्रैप को ऐड करते हैं तो आप JS फाइल को भी ऐड करते हैं और उसमें jQuery भी होती है। अब एंगुलर में अगर आप jQuery यूज करेंगे तो ये बहुत ही बुरी चीज समझी जाएगी कि आप एंगुलर के अंदर jQuery ऐप ऐड करेंगे। अगर आप जितने भी बड़े डेवलपर बन जाएं और आपने ये काम कर दिया तो आप ये समझ लें कि आप एक फ्रेश जो डेवलपर होता है उससे भी नीचे का आपको डेवलपर समझा जाएगा अगर आपने jQuery एंगुलर में यूज कर ली। अगर आपने इस तरह के कॉम्पोनेंट ऐड करने हैं तो उसके लिए दो लाइब्रेरी हैं, एक NGX आपने इस वेबसाइट पे जाना है। इसमें क्या हुआ कि ये जितने कंपोनेंट हैं, जो कंपोनेंट हमने यहाँ पर देखे हैं, वो सारे कंपोनेंट आपको एंगुलर में मिल जाएंगे। मैंने बनाए हैं, आपने सिर्फ इनको इंक्लूड करना है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको नेव बार नहीं मिलेगा। एक दूसरी लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप की, वो भी एंगुलर पे बेस्ड है, NGB। ये भी आपको एंगुलर के कंपोनेंट देती है। इसमें आप ये देखें नेव बार, इसमें आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब देखें मैंने इस लाइब्रेरी को एंगुलर प्रोजेक्ट में ऐड करना है तो उसका सिंपल तरीका क्या है, मैंने इंस्टॉलेशन पे आपने जाना है और इसमें आपने ये देखना है कि क्या कैसे ऐड करते हैं। मैंने सिंपल ये कमांड कॉपी करनी है, रन जो प्रोग्राम हो रहा है इसको मैंने स्टॉप करना है। अब ये देखें जो इसकी इंस्टॉलेशन का तरीका का है वो ये है, और उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको इस लाइब्रेरी को मैंने इंपोर्ट करना है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही कंपोनेंट में इंटरेस्टेड हूँ और वो है नेम बार। जितने भी मैंने थर्ड पार्टी लाइब्रेरी मैंने ऐड करनी है वो मैंने यहाँ पे करनी है। अब ये देखें इन्होंने खुद ही ऐड कर दिया है। देखो मैंने NGB नेव मॉड्यूल को मैंने ऐड कर लिया है। अभी देखें मैंने NGB कोलैप्स को वेरिएबल स्टोबल की वैल्यू असाइन कर दी है और मैंने प्रोजेक्ट को दोबारा स्टार्ट कर लिया है। अभी देखें अगर अब मैं इसको टॉगल करूंगा, ये देखें एनिमेशन के साथ ये वर्क कर रहा है। NGB बूटस्ट्रैप है, ये बूटस्ट्रैप के ऊपर बनी हुई है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इन्होंने खुद बूटस्ट्रैप का लिंक दिया हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा ये सेम वही पेज आ जाएगा जिसको हम फॉलो कर रहे थे। ये NGB बूटस्ट्रैप और ये NGX बूटस्ट्रैप, ये दोनों बूटस्ट्रैप पर बिल्ड हुई हैं और ये एक बूटस्ट्रैप की सपोर्ट देते हैं एंगुलर को। एक चीज़ और आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें कि जैसे मैं इसको टॉगल करूँगा तो आपको ना यहाँ पे अपनी नज़र रखनी है, क्लैप्सिंग क्लास ऐड होती है और फिर शो की क्लास ऐड होती है। और इसी तरह अगर मैं इस एग्जांपल में जाऊं तो यहाँ भी आपने नज़र रखनी है, यहाँ पे भी एक पहले क्लैप्सिंग की क्लास ऐड होती है, रिमूव हो जाती है फिर शो की। तो अगर इस क्लास को आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें हाइट 0 होती है और शो में उसकी हाइट सेट हो जाती है जिस पे ट्रांजिशन लगाई हुई है इन्होंने, जिसकी वजह से ये एनिमेशन इफेक्ट आता है। तो ये NGB बूटस्ट्रैप की जो लाइब्रेरी हमने ऐड की है ये NG बूटस्ट्रैप पे बेस है, तो ये भी सेम लॉजिक को फॉलो करते हैं लेकिन ये एंगुलर में इस चीज़ की सपोर्ट देती है। हेडर बना लिया है, अब हम इसके अंदर इसका कंटेंट ऐड करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा क्लाइंट लेआउट पेज है तो इसमें हम चाहेंगे कि एक साइन इन का पेज भी हो। तो मैं ये करूँगा कि ये इसका सिलेक्टर को मैं लेआउट के पेज में ऐड कर दूंगा।
अगर आप ASP.NET के डेवलपर हैं तो आप इस पेज को लेआउट को आप एज अ मास्टर पेज भी समझ लें। अब एंगुलर क्या करेगा कि ये इस सेलेक्टर की जगह ये इसका जितना भी कोड होगा वो यहाँ पे इंजेक्ट कर देगा, तो आप ये देख सकते हैं। चीज़ आपने गौर की होगी कि जब भी ये रिफ्रेश होती है तो ये ओपन होता है, तो इसको भी हम इजीली फिक्स कर सकते हैं। मैंने इसको फास्ट दी थी, मैं इसको ट्रू कर दूंगा, तो अब ट्रू होगा, अब इसकी वैल्यू टॉगल हो जाएगी तो ये क्लोज हो जाएगा। अब ये देखें, ये हमारा एक लेआउट पेज कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट तो नहीं हुआ, इसमें अभी फुटर ऐड नहीं हुआ। तो ये देखें, हेडर है, ये कंटेंट है और ये फुटर है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि जिस लेआउट को हम फॉलो करेंगे वो यूट्यूब की तरह होगी कि जैसे यूजर्स पेज पे आएगा हम वीडियोस दिखाएंगे, और जैसे यूजर साइन इन करना चाहेगा तो हम ये वाला पेज दिखाएंगे, अगर वो साइन अप करना चाहेगा तो हम एक उसको रजिस्टर पेज दिखाएंगे। तो इस चीज़ को हम फिक्स करते हैं कि जैसे यूज़र साइन इन पर क्लिक करे तो ये पेज नज़र आए, अगर साइन अप पर करें तो वो साइन अप का पेज नज़र आए। तो इस चीज़ को हम राउटिंग के ज़रिए हम इस चीज़ को फिक्स करते हैं, राउटिंग के ज़रिए रिजॉल्व करते हैं। अब हम राउटिंग को देखते हैं। अगर आप एंगुलर ऐप के अंदर एक पेज से दूसरे पेज पर जाना चाहते हैं, नेविगेट करना चाहते हैं एक व्यू से दूसरे व्यू पर, इस काम के लिए हम राउटिंग यूज़ करते हैं। राउटिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनमें से चंद ये हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन की स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है या रिफ़्रेश हो जाती है, उस URL के ज़रिए आप दोबारा उस स्टेट पर लेकर आ सकते हैं। मीन्स कि यूज़र ने कोई एक पेज ओपन किया हुआ था और जब वो दोबारा उस URL को ओपन करेगा तो वो यूज़र उस पेज पे चला जाएगा। यूज़र आपकी वेबसाइट के URL को बुकमार्क कर सकता है और किसी दूसरे यूज़र को भी सेंड कर सकता है, तो दूसरा यूज़र भी वो सेम व्यू देख सकेगा जो सेंडर देख रहा होगा। मीन्स कि कोई वो चीज़ सर्च करके दूसरे यूज़र को सेंड कर सकता है और यूज़र दूसरे यूज़र के पास वो सेम रिज़ल्ट होंगे। इसमें आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, मीन्स कि आप पैरामीटर के ज़रिए कोई कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। राउटिंग के अंदर हम किसी URL पे हम रिस्ट्रिक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि आप चंद एक URL को आप पब्लिक कर सकते हैं और चंद एक URL को आप एडमिन के लिए कर सकते हैं कि जिनके पास क्रेडेंशियल होंगे, जो लॉगिन होगा वही इन URL को देख सकेगा। अब हम URL को देखते हैं। URL में एक हिस्से को हम रूट URL कहते हैं, दूसरे को हम रिलेटिव पाथ कहते हैं। अगर आप लोकली डेवलप कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन लोकल सर्वर पे है, तो जो लोकल होस्ट 4200 ये रूट URL होगा। अगर आपकी एप्लीकेशन सर्वर पर डिप्लॉयड है, सर्वर पे चल रही है, तो जो आपकी एप्लीकेशन का एड्रेस होगा, इस केस में devshare.com, यहाँ तक जो URL होगा उसको हम रूट URL कहेंगे। उसके बाद जो भी करेक्टर होगा, जो भी पाथ होगा, उसको हम रिलेटिव पाथ कहेंगे। सिंगल पेज एप्लीकेशन में होता ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो एक रिक्वेस्ट सर्वर को जाती है, जितने भी पेजेस होते हैं वो डाउनलोड हो जाते हैं क्लाइंट साइड पे, और उसके बाद जितने भी आप पेज को व्यू करेंगे वो क्या करेगा, उन पेजेस को राउट के हिसाब से दिखाता रहेगा, उन पे स्विच करता जाएगा, लेकिन सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। तो उसके बाद आपके जितने पेजेस होंगे, लेट्स सपोज अगर आप लॉगिन पे जाना चाहते हैं तो ये लॉगिन का रिलेटिव पाथ ऐड होगा, और एंगुल क्या कहेगी, इस पाथ के अगेंस्ट जो भी व्यू रजिस्टर होगा उसको दिखा देगी। अगर आप रजिस्टर यहाँ पे लिखेंगे devshare.com/register, तो वो रजिस्टर का व्यू को दिखा देगी। एंगुलर में पाथ लोकेशन स्ट्रेटजी भी है और हैश लोकेशन स्ट्रेटजी भी है। जो डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट होती है वो पाथ लोकेशन होती है, लेकिन आप इसको आप हैश लोकेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। इसका अगर आप हैश लोकेशन के साथ जाना चाहते हैं तो जो मेन मॉड्यूल में राउटर मॉड्यूल ऐड हुआ होता है उसमें आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है जिसमें एक प्रॉपर्टी ऐड करनी होती है, यूज़ हैश, और उसकी वैल्यू जो सेट करनी होती है वो ट्रू करनी होती है। उसके बाद आपके रूट URL में हैश आ जाएगा, तो जो आप फिर उसके बाद जो आपका रूट URL होगा वो हैश तक होगा, और उसके बाद जो भी पाथ होगा वो रिलेटिव पाथ कंसिडर किया जाएगा। और अगर आप पाथ लोकेशन के अंदर जो फर्स्ट स्लैश होता है वहाँ तक आपका रूट URL होता है, अगर आप सब डायरेक्टरी यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा सोर्स के अंदर जो index.html फाइल होती है वहाँ पर आपको बताना होगा कि मैं सब डायरेक्टरी यूज़ कर रहा हूँ। सब डायरेक्टरी का आपको यहाँ पे नेम लिखना होगा, यहाँ पे आपको सब डायरेक्टरी का नेम लिखना होगा, और फिर उसके बाद जो आपका रूट URL होगा
वो वहाँ तक होगा, और उसके बाद जो भी पाथ होगा, जो उसके बाद जो भी पाथ है वो रिलेटिव कंसिडर किया जाएगा। राउटिंग को हम ऐड कैसे करते हैं, तो सिंपली हम एक क्लास बनाते हैं, उसमें हम एक ये राउटर मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम अपने राउट को डिफाइन करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में दो कंपोनेंट हैं, दो पेजेस हैं, यहाँ पे मैं रिलेटिव पाथ दूंगा, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट, अगर यूज़र यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट लिखे रूट यूआरएल के बाद तो ये पेज व्यू हो, अगर यूज़र रूट यूआरएल के बाद सेकंड कंपोनेंट लिखे तो ये वाला पेज व्यू हो, अगर यूज़र कुछ रैंडम ऐड कर दे तो वो क्या करेगी, ये पेज 404 का पेज दिखा देगी, तो ये एज अ वाइल्ड कार्ड है, अगर कोई भी पाथ मैच नहीं करेगा तो वो इस पेज पे चली जाएगी। तो जो जब हम अपना राउटिंग मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं, फिर हमें उसको मेन मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करना होता है। तो उसको इंपोर्ट करने का आसान तरीका है, इंपोर्ट में हमने उसका क्लास नेम ऐड कर देना है। अगर आप हैश लोकेशन के साथ जाना चाहते हैं, यहाँ पे आपने वो ऑब्जेक्ट पास करना होगा। एंगुलर के अंदर हम किसी पेज में किसी पेज का सिलेक्टर को ऐड करते हैं तो वहाँ पर उस पेज को इंजेक्ट कर देगा। तो अब ये जो राउटर आउटलेट है, होता ये है कि जितने भी आपके व्यू होंगे वो सारे यहाँ पर इंजेक्ट होंगे। आप ये राउटिंग मॉड्यूल एंगुलर सीएलआई से भी बना सकते हैं, जो कि बहुत इजी है। या फर्स्ट टाइम एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपसे पूछता है कि आपने राउटिंग मॉड्यूल ऐड करना है, अगर आप यस करेंगे तो ये खुद बहुत सारा कोड क्रिएट कर देगा। इस पेज में आएंगे ऐप राउटिंग मॉड्यूल, एक एप्लीकेशन में मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे हम मॉड्यूलर अप्रोच को यूज़ करेंगे तो तब हर मॉड्यूल का अपना एक राउटिंग मॉड्यूल होगा। इसमें एक अरे होती है, अरे के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, सबसे पहले हमें इसमें पाथ देंगे, फिर कौन सा पाथ हो, मैं चाहता हूँ लॉगिन, और उसके बाद मैं कंपोनेंट का नेम दूंगा, इस राउट पे मेरा कौन सा पेज व्यू हो, मैं इस पे दूंगा लॉगिन कंपोनेंट। अब ये मैंने इसको सेट कर लिया, ये सिंपल एक राउटिंग की एग्जांपल है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन लिखूंगा, इसको हम भी देखते हैं कि यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, कि इसको मुझे रिमूव करना होगा और यहाँ पे मुझे टैग ऐड करना होगा, यहाँ पे राउट के व्यू को इंजेक्ट करेगा। ये अब देखें, जैसे यूजर लॉगिन लिखेगा तो वो क्या होगा कि लॉगिन पेज पे आ जाएगा। अब ये देखें, मैंने इसको रिमूव किया तो कोई पेज नज़र नहीं आया है, क्योंकि मैंने कोई उस पर पेज सेट ही नहीं किया हुआ था। जैसे हमारे डोमेन पे आता है divshare.com, जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम डिफ़ॉल्ट पेज कहते हैं, इंडेक्स पेज कहते हैं, वो मुझे सेट करना होगा कि यूज़र कुछ भी ना रिलेटिव राउट में लिखे तो कौन सा पेज व्यू हो। अगर पाथ एम्प्टी हो तो ये वाला पेज नजर आए। अब ये देखें, यूजर कोई राउट ऐड नहीं करेगा तो ये पेज होगा, जैसे यूजर लॉगिन ये पेज नजर आ जाएगा। अब इसमें एक चीज आपको मैं तो बता देता हूँ, हमारी एप्लीकेशन का एक मॉड्यूल है और उसमें एक ऐप राउटिंग मॉड्यूल है और ये एक राउटर है, राउटर आउटलेट है। तो वो क्या करता है कि यहाँ पे जितने भी हमारे व्यूज होंगे वो यहाँ पे इंजेक्ट करेगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि हो ऐसा हो कि यूज़र, जैसे यूज़र इस पेज पे आए तो ये वाली चीज़ ना हो, यहाँ पे कुछ और चीज़ होंगी, जैसे जो साइन इन पे क्लिक करे तो ये वाला सेक्शन आ जाए। तो इस चीज़ को हम हैंडल करते हैं चाइल्ड राउटिंग के ज़रिए। एंगुलर में आप चाइल्ड राउट या नेस्टेड राउट भी बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका पेज एक पेज सिर्फ दूसरे पेज के अंदर ही रेंडर हो, एक खास पेज में रेंडर हो, तो इस काम के लिए आप चाइल्ड राउट या नेस्टेड राउट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप ये देखें, एक फर्स्ट कंपोनेंट है, उसके साथ ये कंपोनेंट मैप्ड है, ये इस पाथ के अगेंस्ट ये मैप है, और ये चिल्ड्रन की एक अरे है जिसमें इसके चिल्ड्रन है, और उसमें चाइल्ड डैश ए का एक पाथ है, उसमें चाइल्ड कंपोनेंट मैप्ड है, और इसी तरह चाइल्ड डैश बी, उसमें चाइल्ड कंपोनेंट मैप है। तो ये जो दो कंपोनेंट हैं ये सिर्फ इसी के अंदर ही रेंडर होंगे, फर्स्ट कंपोनेंट में इसके अंदर ही व्यू हो सकेंगे, इसके बगैर ये व्यू नहीं होंगे। तो इससे हम चाइल्ड राउट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चाइल्ड राउट को हम लेआउट पेज बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला मैं ये लेआउट मैं बना लेता हूँ फर्स्ट कंपोनेंट में, और उसके बाद होगा ये कि इसमें हेडर होगा, फुटर होगा, और जो उनसे ये चाइल्ड कंपोनेंट हैं
चाइल्ड डैश ए और चाइल्ड डैश बी ये इसके अंदर रेंडर होंगे, तो एक हमारा एक ये, तो ऐसे हमारा एक लेआउट पेज बन जाएगा। ये जो चीज़ होगी, ये मेन कंपोनेंट जो होगा हमारा, ये फर्स्ट कंपोनेंट होगा, वो इस राउटर आउटलेट में रेंडर होगा। और फिर हमें इस फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर हमें एक और राउटर आउटलेट डिफाइन करना होगा, जिसके अंदर हमारे ये चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर होंगे। इस तरह हम लेआउट पेज चाइल्ड को राउट को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। अब चाइल्ड राउटिंग कैसे ऐड होती है, उस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। अब ये देखें, ये एक राउट है, मैं अब करूँगा कि इस राउट के मैं चिल्ड्रन ऐड करूँगा, तो उसका उसको ऐड करना भी इजी है। मैं यहाँ पे लिखूँगा चिल्ड्रन, लेकिन जैसे मैंने चिल्ड्रन ऐड किए तो यहाँ पे उसने मुझे इंटेलिजेंस दी, ये भी एक अरे है। इसमें सिंपली मैं ये करूँगा, अब होगा ये कि अगर यूज़र कुछ भी टाइप नहीं करेगा तो वो यहाँ पर आएगा, अगर यूज़र उसके बाद ये देगा, ये इसके अंदर इंजेक्ट होगा। अब इसके इंजेक्ट होने के लिए जब भी हम कोई राउटिंग के अंदर कोई हम व्यू को इंजेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम व्यू कहाँ इंजेक्ट होते हैं, वो इसके अंदर इंजेक्ट होते हैं। तो अब हमें करना ही होगा कि जो हमारा कंटेंट वाला सेक्शन है, यहाँ पे मैंने इसको हटा के ये कर देना है। अब इस चीज़ को टेस्ट कर लेते हैं। अब ये देखें, जैसे मैं मेन पे आया, ये हमें एक लेआउट नज़र आया, ठीक है, क्लाइंट का। साइन इन पे मैंने क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि मुझे इसके पीछे लिंक देना पड़ेगा। अभी कौन सा लिंक, जैसे यूज़र इस पे क्लिक करे, तो मैं राउट चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं एंगल के डॉक्यूमेंटेशन पे चला जाता हूँ और वहाँ पे मैं राउटर की आउटलेट मैं देखूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक हाइपर लिंक है, और इसमें आप ये देखें कि राउटर लिंक में मैंने राउट देना है, जैसे ये मैंने ऐसे लिखना है। और मैं इस दोनों चीज़ों को कॉपी कर लेता हूँ, मैं साइन इन पे यहाँ इस हाइपरलिंक पे पेस्ट कर देता हूँ, और मुझे मैंने लॉग साइन इन पे जाना है और राउटर लिंक एक्टिव, ये एक्टिव क्लास ऐड कर देगा। और मैं ऐप राउटिंग में जाता हूँ कि मैंने कौन सा राउट दिया हुआ है, साइन इन। अभी देखें, जैसे मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो ये साइन इन आ गया, लेकिन चिल्ड्रन ये उस वक्त तक नहीं दिखाएगा जब तक कि आप इसके ये राउट ऐड नहीं करेंगे। तो जैसे इस राउट पे आएगा, अब ये देखें, ये ऐसे होगा, यहाँ पर अगर एम्प्टी होगा तो वो इस राउट पे आएगा, अगर इसके बाद अगर मैं कुछ और लिख दूंगा तो वो दूसरे राउट पे चला जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैंने इसको एम्प्टी छोड़ा हुआ है, अगर मैं इसको एम्प्टी छोड़ूंगा तो ये इस पर जाएगा, ठीक है। तो और अगर मैंने कोई इस पर डिफ़ॉल्ट सेट किया होगा, इसमें मैं एक और आपको राउट ऐड करके दिखाता हूँ। मैं इस पर एक राउट ऐड कर लेता हूँ, जैसे 404 का पेज, अगर यूज़र क्या करेगा यहाँ पे ये लिख दे, तो इस चीज़ को हम कैसे हैंडल करेंगे। अगर अभी हम देखें तो एक एरर थ्रो कर दिया है, तो इस चीज़ को भी हम हैंडल कर लेते हैं। हमने एक न्यू एक कॉम्पोनेंट ऐड कर लेते हैं 404, फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब मैं दूसरा राउट ऐड करता हूँ। अभी देखिए, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ डबल स्टार, कि जैसे कोई राउट आएगा वो वन बाय वन चेक करेगा, कोई भी मैच नहीं होगा, वो ये देखेगा कि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो वो इसको चला देगा, और ये वाला राउट हमने सबसे एंड में रखना होगा।
अब अगर देखें, अगर मैं कुछ ऐसा टाइप करता हूँ तो अभी देखें नॉट फाउंड आ रहा है, कोई राउट मैच नहीं हुआ। तो जब कोई राउट मैच नहीं होता तो नॉट फाउंड का पेज चला जाता है। अभी एक हम साइनअप का पेज बना लेते हैं। इसी पेज को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। दो पासवर्ड की फील्ड होंगी, एक कंफर्म पासवर्ड की फील्ड होगी। फुल नेम हम कर लेते हैं, देखते हैं कैसी यूआई बनती है। मैं इस यूआई को मैप करता हूँ, इस व्यू को मैप करता हूँ साइन अप के पेज पे, तो इसको भी इजी है मैप करना। अपने राउटिंग के पेज पे जाना है, इसको कॉपी करना है। आपने इसको सिंपल एक एज अरे समझनी है, और ये अरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। आप दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो आपको एक कॉमा ऐड करना पड़ता है। अभी देखिए इस पर ये साइन इन का आएगा और इस पर साइन अप का पेज आएगा। तो अभी हमने दो पेज ऐड किए हैं और हमने उनकी राउटिंग ऐड की है।